नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिवाली पूजा में इन छह चीजों को जरूर करें शामिल। मां लक्ष्मी की होगी वर्षा, हो जाओगे मालामाल। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। इस साल दिवाली का पर्व 4 नवंबर गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजन का विधान है। दिवाली पूजन में पानी में पाए जाने वाली कुछ चीजों का विशेष महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र में जल का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी और माँ लक्ष्मी भी समुद्र से ही प्रकट हुई थी। इसलिए दिवाली की रात पानी में पाए जाने वाली इन छह चीजों का विशेष महत्व है, आप भी जान लें। नंबर एक, गोमती चक्र। दिवाली पूजन में गोमती चक्र का इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है। गोमती नदी में सीप जैसी एक सफेद चीज मिलती है जिस पर चक्र बना होता है, उसे गोमती चक्र कहा जाता है। लक्ष्मी पूजन के बाद गोमती चक्र को तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से बरकत होती है। ध्यान रखें कि पूजन में 11 गोमती चक्र रखने चाहिए। नंबर दो, जल सिंघाड़ा। माता लक्ष्मी के पसंदीदा फलों में सिंघाड़ा आता है। मान्यता है कि दिवाली पूजन में सिंघाड़ा शामिल करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर तीन, कमल का फूल। माँ लक्ष्मी पूजन में कमल के फूल का विशेष महत्व है। दिवाली पूजन में माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करना बेहद शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नंबर चार, समुद्र का जल। अगर आपको समुद्र का जल मिल जाता है तो उसे दिवाली पूजन में जरूर शामिल करना चाहिए। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी जल से ही प्रकट हुई है। पूजन के दौरान जल को कलश में भरकर रखना चाहिए और पूजा के बाद घर में जल से छींटे देने चाहिए। नंबर पाँच, शंख। दिवाली पूजन में शंख शामिल करना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि शंख दरिद्रता और दुख को दूर करता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को शंख अति प्रिय है। नंबर छह, मोती। दिवाली की रात पूजन स्थल पर मोती रखना चाहिए या फिर धारण करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन धान्य में वृद्धि होती है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।